अच्छा जी, हमें ऑर्डर मिल चुका है डोनट्स का, और ये वो वाले डोनट्स नहीं हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं आजकल, काजी साहब वाले डोनट्स नहीं हैं, ये हैं जी डंकिन डोनट्स का ये ऑर्डर है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों आज है जी जुम्मे का दिन, और आप सबको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो करते हैं जी आज के दिन का आगाज़, और अभी टाइम हो रहा है जी 12:46 हो रहे हैं, तो अभी निकले हैं जी काम के लिए, और मैं रूम पर था तो मुझे ये पहला ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है। मोसलिन का ये ऑर्डर है, केक का ऑर्डर है, और ये हमने जाना है जी हयल ओहद में, तो यहाँ से स्वाइप टू स्टार्ट करते हैं जी। तो चलते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे और कंप्लीट करते हैं आज का जुमे के दिन का हमारा पहला ऑर्डर। 14 मिनट का ये टाइम बता रहा है, और 6.4 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है जी काम से निकलने से पहले चाय, क्योंकि चाय ज़रूरी है जी काम पे निकलने से पहले। तो चलते हैं जी अपने पहले ऑर्डर की तरफ चाय के साथ। जी दोस्तों, हमने आज का जो अपना पहला ऑर्डर था वो कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद ये देखें 1:27 हो रहे हैं, और हमें केक बाय मामूला का एक दूसरा ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो इसे यहाँ से स्वाइप टू स्टार्ट पिकअप करते हैं जी, और जाके इसकी पिकअप लोकेशन पे ये ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। 14 रियाल का ये ऑर्डर है, और ये हमने देना है जी, एक मिनट चेक कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल में जाके, ये हमने हयल गरनाता में देना है जो कि दमाम वाली साइड पे है। ठीक है जी, चलिए जल्दी से जाके ये अपना ऑर्डर पिक करते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें टाइम अभी हो चुका है 3:04, और ऑर्डर हमारे जो कम्प्लीट हुए हैं वो हैं जी 5, और अभी हमें छठा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है। ये ऑर्डर दोबारा है जी मोसलिन का, केक का ऑर्डर है, और यहाँ से स्वाइप टू स्टार्ट पिकअप करते हैं जी, और ये ऑर्डर हमने देना है जी हयल दामा में। ठीक है जी, और इसकी डिलीवरी लोकेशन यहाँ से डिलीवरी लोकेशन बन रही है जी 9.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उफ अल्लाह अकबर, 8.9, काफ़ी दूर की बन रही है। चलिए जी चलते हैं जाके ये अपना ऑर्डर पिक करते हैं, और उसके बाद डिलीवर करते हैं इंशाल्लाह। Head southeast toward Anazib and Malak. अच्छा जी, टाइम देखें जी अभी हो रहा है तकरीबन 5:01 रह गए, और ऑर्डर हमारे देखें जी कंप्लीट हो चुके हैं 7, और ये अभी हमें 8वां ऑर्डर रिसीव हुआ है, और ये ऑर्डर है जी फुरसान में। मैं एक ऑर्डर लेके आया था, तो यहाँ फुरसान से मुझे एक और ऑर्डर मिल गया, ये है जी बर्गराइज़र का ये ऑर्डर है, और यहाँ से हमने ये पिक करना है, और उसके बाद ये इसकी डिटेल देख लेते हैं जी। ये हमने लेके जाना है मदीना मलक फहद अस्करिया, मतलब है कि ये अस्करी एरिया में हमने लेके जाना है, कैंट एरिया में। तो चलते हैं जी ये ऑर्डर पिक करते हैं, और उसके बाद लेके चलते हैं जी। 5:55 इसका लास्ट डिलीवरी टाइम है, देखते हैं अभी अगर हमारा ऑर्डर ये रेडी है तो जाके पिक करते हैं, और चलते हैं जी अस्करी एरिया की तरफ। अच्छा जी, अभी टाइम हो चुका है 5:30 का, और मगरिब की अजान भी हो चुकी है, और ये ऑर्डर भी हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया है कैंट एरिया में, अस्करी एरिया में। तो अब यहाँ से इसे कर देते हैं जी स्वाइप टू डिलीवरी सक्सेस, और इसके बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ से हम बंद कर देते हैं, मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, और नमाज के बाद जी थोड़ा सा वक्फ़ा करेंगे तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे का, क्योंकि एक दावत में जाना है, तो वो दावत अटेंड करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे ईशा की नमाज के बाद। जी तो दोस्तों, मगरिब के बाद काफ़ी लंबा ब्रेक करने के बाद हम लोग दोबारा वापस आ चुके हैं जी, और तकरीबन 8 हैं, और ये हमें ऑर्डर पहला रिसीव हो चुका है ब्रेक के बाद। तो ये ऑर्डर है जी हमारा 13 रियाल का, अनुश से हमने ये पिक करना है, और ये हमने कादसिया में जाके देना है। 13 रियाल हमारे डिलीवरी चार्जेज हैं, तो चलते हैं जाके ये अपना ऑर्डर पिक करते हैं, और उसके बाद शुरू करते हैं जी अपनी रात की रूटीन। तो ये 9 मिनट का सफ़र है, 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अच्छा जी, हमें ऑर्डर मिल चुका है डोनट्स का, और ये वो वाले डोनट्स नहीं हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं आजकल, काजी साहब वाले डोनट्स नहीं हैं, ये हैं जी डंकिन डोनट्स का ये ऑर्डर है हमारा।
जी तो दोस्तों देखें जी, टाइम हो चुका है 11:45 और आज के हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो हुए हैं जी 12, और 12 ऑर्डर्स के हमारे 216 रियाल टोटल इसकी पेमेंट बनी है। और एक और दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से मैंने अभी काम बंद कर दिया है, वो ये है कि ये देखें जी, जैसे ही मैं अपने इस एप्लीकेशन को जो है वो ऑनलाइन करने की कोशिश करता हूं तो ये देखें यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाता है। ये लिखा हुआ आ जाता है जी यू कांट गो ऑनलाइन। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है यू कांट सेट द स्टेटस टू एक्टिव एज द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑर्डर्स, योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 32 मिनट्स। ये जी मुझे 1 घंटे का जो है इन्होंने ब्रेक दे दिया था, क्योंकि मैंने जो है 4 ऑर्डर्स आज के दिन में इनके डिक्लाइन कर दिए थे, वो उल्टे सीधे ऑर्डर्स आ रहे थे तो मैंने जो है वो नहीं पिक किया, इस वजह से इन्होंने मुझे जो है वो 1 घंटे के लिए ब्रेक लगा दिया। ठीक है जी, तो मैंने आईडी बंद कर दी और फिर मैं रूम पे आ गया, अब इंशाल्लाह सुबह ही निकलेंगे। ठीक है जी, तो ये है कि अगर आप एक दिन में 4 ऑर्डर जो है इनके वो डिक्लाइन करेंगे तो आपको 1 घंटे का ब्रेक दे देते हैं ये लोग। ठीक है जी, अगर 2 ऑर्डर करते हैं तो आधे घंटे का ब्रेक देते हैं, उस आधे घंटे के ब्रेक में आपको फिर भी दोबारा ऑनलाइन होते हैं तो वो हो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप ऑनलाइन नहीं हो सकते, उसमें आपको इनका जो 1 घंटा है वो पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप जो है ना वो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद जी गाड़ी हमारी आज चली है जी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ी आज हमारी चली है 195 किलोमीटर। ठीक हो गया जी, तो अभी 200 और हमारे बने थे 216 रियाल हमारे टोटल अमाउंट बनी, 216 रियाल हमारी टोटल अमाउंट बनी थी। ठीक है जी, तो इसमें से पहले हम माइनस करेंगे जी, 216 में से माइनस हम 15% करते हैं तो ये बनता है जी 183। ठीक हो गया जी, 183, और अब यहाँ पे हमने 14 लीटर बन गया, इसको करते हैं जी 2.18, 30 रियाल का हमारा ये पेट्रोल निकल गया जी इसमें से। ठीक हो गया, तो ये 30 रियाल का पेट्रोल निकाल दें और 216 में से हमने, तो जी ये जब हमने 216 में से 15% निकाला 183 बचे, 183 में से हमने माइनस 30 रियाल का जी पेट्रोल निकाल दें, 153 बन गया, और 153 में से हमने अगर 30 रियाल अपना ख़र्चा निकाल दें 153, तो 123 रियाल बचते हैं आज के, आज जो कि क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी कम दिया है, जुम्मे का दिन था और फिर एक दावत भी अटेंड की है, उसमें भी 2 घंटे हमारे लग गए, तो इस वजह से कुछ काम हमारा आज कम हुआ है। तो ये थी जी आज की सिचुएशन, आज की सूरत हाल जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।